दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो कौन कौन से आपको क्लास और व्हीकल यहाँ पे ऐड करना होगा ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम आपको फ्रेंड्स बता दें कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर टू व्हीलर और फोर व्हीलर के आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टू व्हीलर के लिए MCWG यहाँ पे सेलेक्ट करना है। MCWG यानी कि मोटरसाइकिल विथ गियर। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स आप मोटरसाइकिल विथ गियर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन होता है जैसे कि MCWOG। तो MCWOG का मतलब हो गया कि फ्रेंड्स आप मोटरसाइकिल विदाउट गियर, यानी कोई भी बिना गियर वाला आप अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप इस अगर मोटरसाइकिल विदाउट गियर आप सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें केवल आप स्कूटी ही चला पाइएगा। और यहाँ पे अगर आप मोटरसाइकिल विथ गियर यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे यानी कि बाइक में कोई भी आप बाइक चला सकते हैं, गियर वाला या विदाउट गियर वाला। यानी कि आप अगर कोई गियर वाला बाइक चला सकते हैं तो विदाउट गियर वाला भी चला सकते हैं, यहाँ पे ये मानना है। तो यहाँ पे इसलिए आप यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर वाला ही सिलेक्ट कीजिएगा टू व्हीलर में। और फोर व्हीलर में आप LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल हो गया, जैसे कि लाइट मोटर व्हीकल आप कोई भी आप अपना प्राइवेट गाड़ी चला सकते हैं फोर व्हीलर। जैसे कि अगर आप लाइट मोटर व्हीकल नहीं सेलेक्ट करते हैं, अगर फिर से आपको फ्यूचर में इन केस आपको यानी हेवी HMV आपको अप्लाई करना होगा, तो अगर आपके लाइसेंस में लाइट मोटर व्हीकल नहीं होगा तो आपका हेवी अप्लाई नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे आप टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए आप बनवा रहे हैं, तो उसमें LMV अगर नहीं रहता है तो आपका यानी कि हेवी अप्लाई नहीं होगा। और LMV बनवाते हैं तो उसके एक साल बाद ही आपका जैसे कि हेवी के लिए अप्लाई होता है, यानी कि एक साल पुराना आपका लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, तभी जाके आप एक साल बाद आप हेवी भी अप्लाई कर पाइएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा टू व्हीलर और फोर व्हीलर लाइसेंस अप्लाई करते समय।